शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर नया नियम जारी हो रहा है। इस नियम के मुताबिक अब इन पदार्थों के दाम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के हिसाब से प्रतिदिन बदलेंगे। अब तक कंपनियां 15 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव करती थी। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरह ही यहां भी प्रतिदिन मूल्यों के बदलाव से सामान्य ग्राहकों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन पेट्रोल पंप व्यवसायी इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि इस नियम के लागू होने के बाद उनके लिए अकाउंटिंग जैसे सामान्य कार्यों में व्यवहारिक दिक्कत आ जाएगी। देश में करीब 25% पंप हैं जो ऑटोमेटेड हैं, बाकी 75% पंप हैं जो नॉन ऑटोमेटेड हैं। इन नॉन ऑटोमेटेड पंपों में मैनुअल मोड में जो फीडिंग करनी पड़ती है, उसमें जो टास्क इन्वॉल्व है उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, जिस टाइम की वजह से उस दौरान सेल भी रोकनी पड़ेगी। और डेली डायनामिक प्राइसिंग से डीलर रेप्रीहेंसिव है कि इससे प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उनके पास जो डेली स्टॉक है उसके ऊपर होगा। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ये व्यवस्था विदेशों में इसलिए कारगर है क्योंकि वहां सभी पंप ऑटोमेटेड हैं, जबकि हमारे देश में अभी भी मैनुअल रिफिलिंग पंप्स ऑटोमेटेड पंप से कहीं ज्यादा है। ऐसे में प्रतिदिन मूल्य परिवर्तन से उनका काम बढ़ जाएगा। हमने तो सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था। इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आ रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, सारे पंप ऑटोमेटेड नहीं है। जिन विदेशों को देख करके हम ये पॉलिसी इंडिया में लागू करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये ऑटोमेशन के जरिए काम करता है। इन नए नियमों से नाराज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस नई योजना से किसको कितना फायदा होगा और किसको कितनी असुविधा। गवर्नेंस नाउ के लिए दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।